हेलो लियो, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन लव। आई होप आपको लास्ट मंथ की रीडिंग अच्छी लगी थी एंड यू आर बैक अगेन टू चेक विद डिवाइन बबल। तो ये रीडिंग है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम सेम पैटर्न रखेंगे, वन कार्ड फॉर द पास्ट सिचुएशन, एक कार्ड प्रेजेंट के लिए, एक फ्यूचर के लिए, एक आउटकम कार्ड, और हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए। लियोज, रीडिंग लियोज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। प्लीज एंजल्स स्पिरिट्स हेल्प अस टू गिव लियो द बेस्ट पॉसिबल मैसेज। हेल्प मी एंड डिवाइन बबल so that we become your channels. Please show us October mein kya hai for Leos, what do they need to know. Past mein Sun. So Leos, this is a general reading, jo bhi aapke sath resonate kare please aap wahi lena, aur baki message if it is not resonating let it go. ओके, प्रेजेंट सिचुएशन ये है, फ्यूचर सिचुएशन लियोस, आई सी इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज ऑलरेडी एंड एक आउटकम कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियोज मैं देख रही हूँ कि पास्ट सिचुएशन में बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, एज वी हैव द सन हियर। सन, हो सकता है आई एम गेटिंग अ मैसेज कि पास्ट में आपकी फैमिली में किसी को बेटा हुआ, कुछ गेन्स हुए, जो रिलेशनशिप्स पहले खराब चल रहे थे वो रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो थी, जो किस्मत की रुकावट से आती हैं, वो सॉल्व होने लगी थी, पॉजिटिविटी आने लगी आपकी लाइफ में। अगर आसपास कुछ दुख था, बीमारी, एनीथिंग, कुछ इमोशनल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, वो सॉल्व हो रहा था, पॉजिटिव एनर्जी आसपास आपके, बहुत अच्छा एनवायरमेंट। फिर अभी क्या हो गया है ना लियोस, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो आपने सोचा कि इसमें हम और एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देखी, और एक्सपेक्टेशन आपने अपनी काफ़ी हाई रखी कि अब ये वाला काम करना है, वो काम कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। अगर जॉब में हुआ तो आपने सोचा कि अच्छा मुझे, फॉर एग्जांपल पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों की नौकरियां जा रही हैं लेकिन आपकी नौकरी बरकरार रही, और अभी आप सोचते हैं कि आपको एक बोनस भी मिल जाए, और बोनस नहीं मिल रहा है तो आप थोड़े से नाखुश से हैं। देख रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स हैं चारों तरफ लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आपको मिला नहीं। वैसे सब कुछ आसपास बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ हैं आसपास, देख रहे हैं ना आप, पूरा खाना है टेबल पे, अच्छे से एंजॉयमेंट, सर्वेंट्स वगैरह हैं, सर्वेंट ज़रूरी नहीं है आपके हों, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। येलो कलर सबसे बढ़िया कलर, अगर आप प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो बहुत ही सुंदर, अच्छी एनर्जी, ठीक है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी लियो, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये सिचुएशन थी, लेट मी क्लैरिफाई कि आप यहाँ पे क्या चीज़ के लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में थे लियोज एंड वो आई नहीं। तो प्लीज़ टैरो, हमें आप प्लीज़ मैसेज दिखाइए, हम ये इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे प्लीज़, हमें इस पे गाइडेंस दीजिए कि ये फोर ऑफ
कप्स लियो के लिए क्या है? ओके, स्टार, देखा ना, कहा ना विश थी कुछ आपकी, जब स्टार आता है तो मतलब आपकी कुछ विश थी, मन में कुछ विश थी, ऐसी कुछ लॉन्ग टर्म गोल बना लिया था आपने। वो हो सकता है कि नई प्रॉपर्टी बाय करने का हो, नई गाड़ी खरीदने का हो, जो आप अभी इस टाइम पे नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। लियो, आपके आसपास बहुत अच्छी एनर्जी है एंड ये सक्सेस अब नीचे है एस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस ढूंढ रहे थे, मतलब ये एक आपका लॉन्ग टर्म गोल था, विश थी जो आप सोच रहे हैं, जो अभी आपको पूरी होती हुई नहीं दिखती है। तो ये विश पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, तो लियो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, डिससेटिस्फाइड मत होइए। देखिए, आजकल तो दुनिया सबके लिए ही रुकी हुई है, किसी का भी काम पहले की तरह तेज तो नहीं चल रहा है, किसी के भी रिलेशनशिप्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि आप अगर घर में बैठे बैठे काम कर करके स्ट्रेस्ड हो गए हैं, अब आपका मन है कि मैं कहीं पे बाहर घूमने जाऊं, तो आप जा सकते हैं। वैसे तो अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो गई हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको नहीं जाना चाहिए। तो आप लिमिटेशन से परेशान मत होइए, लिमिटेशन से परेशान मत होइए, बिकॉज आप थैंकफुल हो यही हो कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकियों के पास अभी नहीं है। आपके पास बहुत विशेज हैं लियो, आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस टाइम पे। ये जो आपकी विश है, जो आपने सोचा है, जो करना चाह रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल जो भी है, ये स्टार से मुझे पता चल रहा है, ये भी पूरा होगा, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे आगे द एम्प्रेस। जब एम्प्रेस आ जाती हैं, मतलब जो भी आपका आइडिया था या तो आप कंसीव करना चाह रहे थे, हो सकता है कि आपने कुछ पहले बेबी प्लान किया हो, ठीक है, तो आप जो भी चाह रहे थे ना, वो विश पक्का, दैट इज़ अनदर मैसेज कि पहले ना हुआ हो बेबी आप विश कर रहे थे, वो हो जाएगा। 6 months का टाइम मुझे लगता है, 6 months, 6 months में आप जो भी वो विश सोच रहे थे ना, उसका एक ना एक पार्ट आपको होता हुआ दिखेगा। इफ़ इट इज़ मोर टूवर्ड्स आपका काम क्रिएटिव फील्ड वाला है, या फिर ऐसे जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी वाला काम हो गया, फूड इंडस्ट्री वाला काम हो गया, या कोई क्रिएटिव फील्ड वाला काम हो गया, जैसे आप एक्टिंग का करियर, म्यूजिक का करियर, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो क्रिएटिव होती हैं ना, वो होती हुई दिख जाएंगी आपको नेक्स्ट 6 months में। और आपको इसे सोशल मीडिया से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, जो भी आप ये काम कर रहे हैं मिलेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आउटकम में है 7 of Rods। तो ये जो है ना, अभी ये जो सिचुएशन है, ये मुझे लगता है कि ये आपकी मेंटल सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि आप अभी खुद से ही लड़ाई में हैं कि मुझे तो ये चाहिए था, ये आप हैं, ये आपके यहाँ पे एम्बिशन है, तो मेंटली ही लड़ाई चल रही है दोनों में, नहीं मुझे तो ये चाहिए था लेकिन ऐसा मिला नहीं। अब बहुत मेंटली बहुत इस चीज़ को लेके डिससेटिस्फाइड है लियोस, क्योंकि आप अपना काम तो बहुत तेज़ी से करना चाह रहे थे, लेकिन हैंगमैन, वेट करना पड़ रहा है, किस्मत आपको रोक रही है, थिंग्स आर स्लोइंग डाउन फॉर यू, चीज़ें आपके लिए धीरे चल रही हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक डेफिनेटली एक गार्डन्स कार्ड निकालना चाहूँगी, थोड़ी वेट की एनर्जी है आपकी रीडिंग में, बट चीज़ें होती हुई दिख रही हैं मुझे लियो, आपके लिए थिंग्स विल हैपन, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, एम्प्रेस है आपके आइडियाज़ को नरिश करने के लिए, यहाँ पे सन कार्ड है आपके लिए ब्राइटनेस देने के लिए। आई कैन डेफिनेटली से जो भी आप पॉजिटिव, आपका कुछ भी क्रिएटिव अगर काम है, या फिर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फर्टिलिटी, है ना, फैमिली आगे बढ़ाने का प्लान है, तो वो दिखता होता हुआ मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट 6 months। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू लियो, एंड एक आपके लिए यूनिवर्स हैज़ योर बैक कार्ड से एक मैसेज, वो मैसेज प्लीज मुझे बताओ आप। एरो, what is that message for Leo for the month of October 2020?
वॉट इज दैट मैसेज दैट लियो नीड्स टू नो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020? वॉट इज दैट मैसेज दैट लियो नीड्स टू नो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020? ओके, आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी. लियोज, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए. ग्रेटर पावर यहाँ पे नेचर है आपके केस में. इट इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट नेचर, एंड नेचर की पावर के आगे आपको सरेंडर करना होगा. आपको चीजें अपने उनके पेस पे छोड़नी होंगी. अगर कुछ चीज अभी नहीं बन रही है, तेजी से काम नहीं हो रहा है, तो सजेशन यही है आपके लिए लियोस कि आप थोड़ा सा वेट करिए. वेट इज डेफिनेटली देयर, क्योंकि नीचे तो यहाँ पे हैंगमैन भी था. हैंगमैन इज फॉर श्योर, जब आप जैसे देखेंगे इमेज को भी, तो ये लटके हुए हैं हवा में, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस लटके हुए हैं और सोच रहे हैं. मे बी दिस इज अनदर सिग्नल टू यू कि आप थोड़ा सा अपनी जगह पे रहिए जहाँ पे हैं, थोड़ा सोचिए. बहुत कंफर्टेबल जगह में हैं आप अभी, तो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए कि आप और क्रिएटिवली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये रीडिंग आप अपने करियर के टर्म्स में सोचते हैं, अगर ये लव रिलेशनशिप्स के बारे में है, तो भी यहाँ पे सक्सेस होती है मुझे दिख रही है. आपको बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ इट फ्रॉम मी लियो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नीचे एक रेड बटन है, उसको क्लिक करिए तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे और मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी. प्लस नीचे एक नंबर होगा, इफ़ यू वॉन्ट एनी पर्सनल रीडिंग विद मी. पर्सनल रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं टू बुक अ रीडिंग. Thank you. Bye.